वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारी साध संगत जी, तुसीं वेख रहे हो कथा गुरबाणी विचार। सब तो पहला जेकर तुसीं चैनल ते नवे आए हो तां कृपा करके चैनल नूं सबसक्राइब कर लवो अते नाल ही बैल आइकन दबा लवो ताकि हर एक वीडियो की अपडेट तुहाडे तक पहुँच सके। ते नाल ही जेकर तुहानूं इह वीडियो चंगी लगी तां इस नूं लाइक ते शेयर जरूर करियो। प्यारी साध संगत जी, जदों भी आपां गुरु घर जांदे आ तां इक गल दा ख्याल ध्यान रख्या करो कि अपना ध्यान सिर्फ दरबार साहिब वल ही होवे, किते होर ना होवे। सारी संगत जो है एक रस होके सच्चे पातशाह वल तके, कोई किसे होर वल ना तके। गुरु साहब जी दे सुंदर स्वरूप दा ध्यान धरदिआं सानू कुछ सिख लेना चाहिए है। जो पुरातन सिख सन उन्हां तों जो दरबार साहब विच आउंदे सी ते ओह फिर सिर्फ दरबार साहब विच ही आउंदे सी। पर अजकल की है, असी दरबार साहब तां जाने आ पर दरबार साहब विच नहीं हुंदे। आपां उत्थे इही वेखदे आ कि किन्ने मत्था टेकिआ, कौन आया सी, कौन गया। इधर पखा चलता है, उधर लाइटां चलदियां ने, इधर पाठी सिंह ने आ पहनिया होया, एवें दियां अनेकां गल्लां नोट करते रहने। आपां दरबार साहब विच आउंदिआं होइआं वी दरबार साहब तो बाहर ही हुंदे आ। ये सिख जो है ये कहिंदे सी कि सानू गुरु साहब तो बिना मतलब ही कोई नहीं। कोई आवे जां कोई जावे, कोई पक्खा चले ना चले, सानू किसे चीज़ नाल कोई मतलब ही नहीं। सानू तां केवल गुरु साहब जी दे दर्शनां नाल ही मतलब है। सो गुरु प्यारिओ, जदों भी गुरु घर वल जाइए तां फिर ध्यान भी उत्थे ही होवे। अपनियां अक्खां नूं दूजे पासे तो रोक दईए, जे अक्खां चाहुंदियां ने कि किसे होर पासे भी वेखीए तां अपनियां अक्खां नूं भी कह दिओ भी गुरु तो बिना किसे होर वल तको ना, सिर्फ गुरु दे दर्शन करो। जदों गुरु दे सिख इस तरह प्यार नाल बैठदे ने ना, फिर महाराज जी खुश हो सारियां वल तकदे ने। महाराज जी वेखदे ने कि सारे सिख प्रेम विच भिज के मेरे वल ही तकदे ने, फिर सच्चे पातशाह जी भी प्यार विच अपने सिखां तों वारे वारे जांदे ने, कुरबान हो जांदे ने। फिर वो अपने सिखां तों ते जिहदे ते गुरु साहिब जी दी खुशी हो जांदी है, जिहदे तों गुरु साहिब खुश हो जांदे ने, फिर उहदे आउण जाण दे लेखे मिट जांदे ने। बस दरबार साहिब दे विच बैठण दी जाच आ जाए सानूं। जिद्दणे जाच सानूं आ गई, समझ लो फिर कृपा ही कृपा ते बख्शिशां ही बख्शिशां मिलणगियां। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।